अमेरिका ने इसराइल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं। इन डॉक्यूमेंट में ईरान पर हमले की प्लानिंग थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। अमेरिकी मीडिया ने एक अधिकारी के हवाले से लिखा कि इन्हें 18 अक्टूबर शुक्रवार को टेलीग्राम पर मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नाम के चैनल ने पोस्ट किया है। इन डॉक्यूमेंट पर टॉप सीक्रेट और 15 और 16 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई है। इस तरह से डॉक्यूमेंट का लीक होना अमेरिका के लिए गहरी चिंता का विषय है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के लिए हैं। ये सभी देश खुफिया नेटवर्क फाइव आईज का हिस्सा हैं। ईरान ने इसराइल पर 1 अक्टूबर को 180 मिसाइलों से हमला किया था। इसके बाद इसराइल ने पलटवार करने की बात कही थी। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इसराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इनमें से एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमले के लिए इसराइल ने हथियारों को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट को नेशनल जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार किया है।